और होगा जूनियर वर्ग का मैच कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों का। और हम निकले हैं यहाँ से बच्चों के लिए मैन ऑफ द मैच लेने के लिए रानीखेत की ओर और रास्ते में कहाँ पर क्या क्या व्यू है और यहाँ ठहरना से आगे की ओर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए काफ़ी शानदार आज का मौसम और रास्ते में हरी भरी वादियाँ उत्तराखंड की वो सभी आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये सब कार्यक्रम कल जो मैच होगा उसका दिखाया जाएगा आपको लाइव प्रसारण कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों का स्कॉलरशिप होम स्कूल भुजान अल्मोड़ा। और ये मैच होगा एक दिवसीय जो मैच है सीमित ओवर T20 टाइप का टाइम में खेला जाएगा और डार्क फील्ड मझड़ा के ग्राउंड में प्रातः 10:30 से 11 के बीच ये मैच प्रारंभ हो जाएगा और आपको दिखाया जाएगा मैच का लाइव प्रसारण। और आज की जो यात्रा थी वो मेन जो मैन ऑफ द मैच और रनर विनर के लिए ट्रॉफी देने का जो काम था वो आज पूरा कर लिया गया है रानीखेत से। और हम रानीखेत की ओर निकले हैं। रानीखेत में अपनी जानी पहचानी दुकान मेहरा स्पोर्ट्स करके है, वहाँ पर अल्मोड़ा अर्बन बैंक के समीप ही उनकी दुकान और काफ़ी अच्छे दामों पर वहाँ पर और अच्छा स्पोर्ट्स का पूरा सामान वहाँ पर मिलता है। तो हम जो टारगेट है उसी दुकान की ओर निकल चुके हैं। खैरना से मैं और खादी भाई दो लोग और ये रास्ते में विहंगम जो दृश्य आपको उत्तराखंड के की क्या मतलब जब हम खैरना भुजान से रानीखेत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में क्या क्या सुंदरताएँ दिखाई दिखती हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सब आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाने का हमारा पूरा प्रयास। और प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेते रहिए, आप बने रहिए गुरु के SBG यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये सभी प्राकृतिक मौसम काफ़ी सुहावना आज का आपको दिखाई दे रहा होगा कि आसमान की जो क्लियरिटी है बिल्कुल एकदम नीला आसमान और सड़क के दोनों किनारे कहीं कहीं पर दुकानें मकान आदि आबादी क्षेत्र है काफ़ी। बीच में थोड़ा सा हल्का जंगल पड़ता है, बाकी पूरा आबादी क्षेत्र यहाँ पर। तो ये वीडियो पहले स्टेप में टारगेट रहेगा कि छावनी परिषद तक शूट की जाए, क्योंकि छावनी परिषद के अंदर की वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि पूरी तरह से आर्मी क्षेत्र है और वहाँ पर वीडियो बनाना वैसे तो बना सकते हैं लेकिन सुरक्षा की नज़रों से वहाँ की वीडियो शेयर करना ठीक नहीं है। तो छावनी परिषद का जो मुख्य गेट है वहाँ तक और उसके बाद जो आगे हम जहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद आगे जब दुकान में जाएंगे जो ट्रॉफी जगह ली जाएंगी रनर विनर मैन ऑफ द मैच उसके बाद वहाँ पर बनाया जाएगा। तो तब तक आप लीजिए हसीन प्राकृतिक जो दृश्य है उनका आनंद। गाड़ी की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। 15-20-25-30 की स्पीड में आराम से, क्योंकि सड़क जाते वक्त कुछ चढ़ाई है और आते वक्त थोड़ा ढलान, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चार पहिया वाहन से निकले हैं दोनों लोग। और ये जैनुली पिलखुली के आसपास का दृश्य काफ़ी सुंदर सुहावना। बूबू भी जा रहे हैं रोड में क्योंकि मौसम आज काफ़ी खुशगवार आज का। और देवभूमि वैसे तो यहाँ की सारी वादियाँ ही हसीन हैं लेकिन आज का मौसम काफ़ी साफ होने से ये वादियाँ जो हैं और भी काफ़ी सुहानी लग रही हैं। सर्दियों की ठंड और उसमें खिली हुई धूप, सुबह शाम का ठंड काफ़ी इस बार टेम्परेचर और दिन में धूप आने के बाद तो काफ़ी सुहाना मौसम है उत्तराखंड में। और पर्यटकों की भी धरमार इस बार, आज तो हिमालय दर्शन भी आपको जो रानीखेत पहुंचने पर जो हिमालय दर्शन हुआ वो भी
आपको अगर होता है तो साफ रहता है तो हिमालय दर्शन भी आपको कराया जाएगा, कोशिश ये रहेगी। देखते हैं कि वहाँ से हिमालय कितना साफ दिख रहा है, कितना पास हम पहुँचते हैं, तो वो सभी आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो में। और मीन इस वीडियो को कल होगा मैच, क्रिकेट मैच डार्क फील्ड मझड़ा में। स्कॉलर होम जूनियर वर्ग कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों का ये मैच प्रातः 10:30 से 11 के बीच में प्रारंभ हो जाएगा, तो वहाँ से आपको दिखाया जाएगा मैच का लाइव प्रसारण। और देखते हैं कल भी वहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएँ होती है। फिलहाल तो हमारा आज का पहला टारगेट आपको बताए रहेंगे, हम जा रहे हैं मेहरा जी की दुकान पर, मेहरा स्पोर्ट्स रानीखेत की ओर। और रास्ते में काफ़ी खुशगवार है आज का मौसम, देखते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जब वहाँ से वापसी होगी तो उसके बाद क्या क्या यहाँ पर होता है। और समय अभी सुबह के लगभग 11 बजने वाले हैं और दिन के 11 बजने के तैयारी है, तो लगभग हम 11:15 के आसपास तक रानीखेत पहुँच जाएंगे। और उसके बाद ज़्यादा काम वहाँ है नहीं, केवल स्पोर्ट्स का सामान हमको लेना है, ट्रॉफीज वगैरह, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। और ये झूला देवी माँ घाट घटेश्वरी मंदिर के आसपास से हम निकल चुके हैं आगे को। आज सड़क में उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आसानी से ड्राइव करने में सुविधा हो रही है आज, और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा हॉर्न नहीं है और मौसम साफ। और ये माता झूला देवी गेट को क्रॉस करने के बाद आगे को हम निकल चुके हैं और धीरे धीरे मंजिल के करीब गाड़ियाँ, उत्तराखंड किसान कुमाऊं की गाड़ी। तो ये काफ़ी शानदार मौसम, सड़कें आदि सब आपको दिखाई जा रही हैं। यात्रा का पूरा आनंद लीजिए आप भी जब आते हैं, प्राकृतिक दृश्य की किस किस प्रकार एंगल से आप वीडियोज बना सकते हैं। ठंड काफ़ी थी तो गाड़ी के शीशे बंद कर रखे हैं, शीशे बंद करके ही फ्रंट जो मिरर है वहीं से वीडियो बनाई जा रही है, और वही फिर भी इतनी क्लियरिटी है आज मौसम में तो आपको नज़र आ रहा होगा। और हम पहुँच रहे आगे रानीखेत बाजार की ओर, तो बने रहिएगा गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ। लगभग आधा रास्ता तो अब पूरा हो चुका है, धीरे धीरे आगे को बढ़ते हुए हम दोनों, ये देखिए ड्राइव खादी भाई और दोनों लगे हुए हैं रानीखेत की ओर। और रास्ते में कभी धीरे धीरे करके ट्रैफिक बढ़ता हुआ आगे को, क्योंकि जू जू रानीखेत नज़दीक है तो वहाँ से आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी भी आवाजाही अब लगभग शुरू हो गई है, लेकिन ज़्यादातर रोड के लिए खाली, तो सड़क लपते हुए निकले हैं आगे को। और उत्तराखंड की हसीन वादियाँ ये आपको दिखाई जा रही है यूट्यूब चैनल के द्वारा, यानी कि खैरना से जब आप रानीखेत को निकलते हैं तो उस रोड के दाएं बाएं का ये दृश्य। और आपको उत्तराखंडी जो गीत है वो भी इस पर दिखाया जाएगा सॉन्ग, बैकग्राउंड में थोड़ा सा कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड की धुन भी आपको बजाकर आपका मनोरंजन किया जाए। देवभूमि है देवताओं की और काफ़ी मान्यता भी रही है उत्तराखंड देवभूमि की, और रानीखेत अपने आप में प्रसिद्ध है, एक पर्यटक स्थल भी है कुमाऊं का। और सबसे चाहिए देखो ये बीच में फूड वैन भी लगी हुई है जगह जगह पर आजकल, क्योंकि जब से कोरोना कोविड के चक्कर में बहुत से लोग जो अपनी होटल की जॉब छोड़ के आ गए थे, तो सड़क के किनारे किनारे सब लोगों ने अपनी फूड वैन इस टाइप की यहाँ पर बना के अपने आप को सेटल किया है, एडजस्ट किया है और स्वरोजगार को अपनाया है,
जो कि अपने आप में एक शानदार पहल है। और देखिए ये यहाँ से ताड़ीखेत जो हमारा ब्लॉक है उसका भी व्यू आपको दिखाया जा रहा है, थोड़ा जूम इन करके, क्योंकि उधर काफ़ी दूर है अब इसके किनारे, तो वहाँ से आपको। और ये आप गाड़ी हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकी है, उसके बाद आगे निकले और ताड़ीखेत का दृश्य आपको बार बार जूम करके दिखाया। और ताड़ीखेत के पास ही हम माल रोड से होते हुए जाएंगे। देखिए छावनी परिषद कुछ ही समय में आप तो कुछ ही मीटर आगे हैं यहाँ से, तो छावनी परिषद के पास से जो वीडियो है उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर आप जहाँ से हम गाड़ी रोक के नीचे जाएंगे गिफ्ट लेने महराज जी की दुकान पर, वो आपको दिखाया जाएगा। आते वक्त वही सीनरी रिपीट होती है, तो इसलिए आते वक्त कोई वीडियो बनाने का मन नहीं है, तो जाते वक्त की वीडियो ही आपके साथ शेयर की जाएगी। जाते वक्त धूप काफ़ी तेज रहने की, क्योंकि मौसम के हिसाब से तो पूरी लाइट पड़ेगी कैमरे में, तो अच्छी वीडियो बन नहीं पाएगी, तो इसलिए जाते वक्त ही ये बनाने की कोशिश आपके साथ शेयर किया। और छावनी परिषद जल्द ही हम छावनी परिषद के पास पहुंचेंगे, और उसके उपरांत आगे की वीडियो आपको मेहरा जी की दुकान में, जहां पर हम लेंगे बच्चों के लिए रनर विनर की ट्रॉफीज। ये देखिए यहां से छावनी परिषद अब प्रारंभ हो गया, तो यहां से हम वीडियो बनाना शुरू कर दें। यही उसके बाद थोड़ा सा आगे जहाँ पर मुख्य माल रोड की ओर जाने वाला जो क्षेत्र है वहाँ से वीडियो आपको नहीं दिखाई जाएगी। उसके बाद महराज की दुकान में जो स्पोर्ट्स की दुकान है वो आपको दिखाया जाएगा, तो बने रहिएगा। और देखिए ये गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर ली है, और यहाँ से हिमालय व्यू काफ़ी शानदार दिख रहा है। और ये नीचे यहाँ से पैदल रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं, उधर जो स्पोर्ट्स मेहरा स्पोर्ट्स की दुकान है वहाँ रानीखेत में। काफ़ी ठंड है रानीखेत में भुजान की अपेक्षा, तो लेकिन धूप यहाँ पर आ चुकी है, अब खिल चुकी है पूरी धूप, तो इसलिए उतना ठंड का यहाँ पर एहसास नहीं हो रहा। और ये देखिए हिमालय से यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर भी है उसके पास ही से। ये हम जब नीचे उतर रहे थे मेहरा स्पोर्ट्स की दुकान में जाने से पहले, यहाँ पर ये और एक ऐसे काम भी कम भाई, उनको यहाँ पर फ़ोन करके पूछ लिया जाता है कि कंफर्म कर लें कि वो कितनी देर में वहाँ पर पहुँचेंगे, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं स्पोर्ट्स का जो सामान है, जो ट्रॉफीज हैं रनर विनर की उनको। तो चलिए चलते हैं मेहरा स्पोर्ट्स की दुकान की ओर। तो ये रानीखेत बाज़ार, हम मुख्य बाज़ार में पहुँच गए धीरे धीरे, थोड़ा आगे जाके अल्मोड़ा सहकारी बैंक है उसके पास। और ये देखिए ये हम मेहरा जी के दुकान के अंदर पहुँच चुके हैं, ये मेहरा स्पोर्ट्स एंड गारमेंट्स की दुकान रानीखेत में अल्मोड़ा अर्बन बैंक के पास। और यहाँ पर स्पोर्ट्स की सारी सामान यानी कि मेडल्स ट्रॉफीज और कपड़े सारे ये सब स्पोर्ट्स के ही सामान यहाँ पर रखते हैं। तो अब यहाँ से हमको रनर विनर के लिए ट्रॉफी सेलेक्ट कर लेनी है, और देखिए सारी ट्रॉफी यहाँ रखी हैं, उनसे हम अपने रेंज के हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। और ये सारी वीडियोज आपके आपको दिखाई गई गुरु गैस वीडियो चैनल के द्वारा। तो कल जो मैच होगा उसका लाइव प्रसारण देखने के लिए बने रहिएगा गुरु गैस भी यूट्यूब चैनल के साथ। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट देना ना भूलिएगा। और बच्चों का उत्साह वर्धन, और ये गिफ्ट हो चुके हैं पैक्ड रनर विनर ट्रॉफी, और अब यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है। और अब हम वापस निकल चुके हैं घर की ओर यानी कि विद्यालय की ओर, यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और कल आपके साथ शेयर की जाएगी मैच की वीडियोस, और देखते हैं कौन बनता है रनर, कौन बनता है विनर, कौन रहता है मैन ऑफ द मैच, ये सभी कुछ आपको दिखाया जाएगा कल के वीडियोस में। तो तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।